हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मैं कई दिन से व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे थोड़ा बुखार था और इसी कारण मैं कुछ दिनों से जो है व्लॉगिंग अवॉइड कर रही थी। लेकिन अभी फिर से मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और आज का जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे आने वाले सभी व्लॉग्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं शादी में। मेरे देवर की शादी है हरियाणा में, हम जा रहे हैं और हमारी फैमिली से कई लोग जा रहे हैं और कई लोग घर पर रुक रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है शादी में और हम लोग शादी में कैसे क्या इंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ हमारे व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि हम शादी में कैसे इंजॉय करते हैं। और आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग कि आज क्या है, आज है सकट चौथ और हमारा फास्ट है। और अभी थोड़ी देर में कथा भी मैं करूँगी, तो तब तक मैं करती हूँ ये गिफ्ट पैक। थोड़ी देर में मिलते हैं, कथा करेंगे और फिर चाय वाय पियेंगे और फिर तैयार होएंगे और फिर निकल जाएंगे। बस मतलब 2-2.5 बजे के करीब हम लोग जाएंगे, दो से तीन के बीच में जाएंगे। मतलब कोशिश यही है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है तो कोशिश है कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ, तो निकलते हैं 2 या 3 बजे के आसपास। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गिफ्ट था वो हमारा पैक हो चुका है और अभी थोड़ी देर में बच्चे लोग सब आ जाएंगे तैयार होने के बाद, फिर चलते हैं। हम भी तैयार हो जाती हूँ मैं भी। आर यू रेडी टू गोइंग इन वेडिंग मिस्टर कार्तिक? आर यू रेडी मिस्टर दीपांशु? यू बोथ आर रेडी? सो लेट्स गो। शैल वी? ओके। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी। तो यहाँ पर आ गए हम कोमल जी के घर पे, कोमल मैडम के घर पे, और अभी देखते हैं कोमल जी तैयार हुए हैं या नहीं। कोमल जी को आप जानते ही हैं कौन है, और अभी देखते हैं। चलिए अंदर। और लाइट लाइट तो है नहीं, तो अंधेरे में ही तैयार हो रही है मैडम जी। चलिए मिलते हैं सबसे। तो यहाँ पर निशा दीदी तैयार होने लग रही हैं, कोमल तो तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए। और ये मिस्टर अभिषेक पड़ोसी के बच्चे को लिए हुए। गाइस अब हम यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं शादी में, और यहाँ पे का नाम है शादी। और ये देखो हमारी पार्टी चल रही है अभी यहाँ पे। ये रहा हमारा सामान, और ये रही हमारी माता जो की 35 वाली नहीं है। हमारी जाने के लिए हम तैयार होने वाले हैं। देखो पीछे सब है, हम जाने के लिए तैयार है और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब अपने अगले व्लॉग में तो अब हम चलते हैं यहाँ से। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जय बाबा की सिस्टम है। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे 20 रुपए दे दो। किस लिए गाड़ी में क्या करोगे? रुपये होगा चाहिए तेने 20 रुपए। गाड़ी तेरी गाड़ी की धक्का मारू। पापा जी ड्राइव कर रहे हैं। तो जी हमारा सफर हो चुका है शुरू और चल पड़े हैं हरियाणा वाले ब्याह में। देवर की शादी है और आप लोगों को वहाँ का कवरेज दिखाएंगे, हम क्या क्या करेंगे और कौन कौन वहाँ पर हमें मिलेंगे। माँ जी पहले ही जा चुकी हैं वहाँ पर, वहाँ पर पहुँचने के बाद उनसे मिलवाएंगे आपको।
पहुंच चुके हैं और बहुत ठंड होने लगी है और अब हम अपने नए व्लॉग शुरू कर चुके हैं और वहां पे जाने के बाद आपको सबसे मिलाएंगे और अपने बने रही है अब हमारे व्लॉग में हमेशा के लिए और चैनल में भी और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, शाम मतलब रात होने वाली है थोड़ी देर में, अभी दिन ढल रहा है, सूरज छिप चुका है हमारे सामने, छिपा था हमने देखा आज सूरज को छिपते हुए। और ये आ गए टोल प्लाजा और हमारे रास्ते में कम से कम 3 से 4 टोल प्लाजा हैं और इन्होंने परेशान करके रख रखा है मोदी जी, संभालो इनको, ये वसूलते हैं हमारे से डबल टैक्स और ऊपर से मैं यहाँ पे वेट भी करना पड़ा टोल प्लाजा पे। तो ये है बच्चों की मस्ती सीएनजी पंप पे, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, सीएनजी वगैरह फिल करवाई थी। तो बच्चे तो लग जाते हैं अपनी मस्ती में, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और मौसा जी खड़े हुए थे हमारे वेलकम के लिए, यहाँ पर इन्होंने एक जो है कम्युनिटी सेंटर जो है पूरा का पूरा बुक कराया हुआ है, वहाँ पर हमें मतलब इन्होंने काफ़ी सुविधाएं हम लोगों को दी, हम लोगों को नहीं सभी लोगों के लिए इन्होंने की हुई थी। हेलो हेलो, ये हमारे शादी वाले देवर और ये हमारे दूल्हे राजा और ये हमारे शादी मौसी जी। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। कहाँ गई मौसी जी? अटो भाई अटो ठीक है ठीक है अपनी सुनाओ। हम बिल्कुल ठीक है। हेलो बोलो। हेलो नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। लम्मा की कोरी भरो छोले की बनवा रखी बत्ती वाली है इसके ऊपर बिछवा दी हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम एक हफ्ते बाद मम्मी जी से मिले और थोड़ा सेंटी भी हो गए, निशा दीदी थोड़ा सेंटी हो गया, आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में होता है माँ का प्यार ऐसा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम कम्युनिटी सेंटर में पहुँच गए थे, पहले हम मौसी जी के घर पे गए थे, वहाँ सबसे मिले और उसके बाद खाना पीना होने के बाद जो हम लोग यहाँ पर आ गए थे सोने के लिए और यहाँ पर देख रहे थे इंतज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा था और मतलब बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पर पहुँचने में भी और पहुँचने के बाद भी। तो जैसे जैसे हमारा जो भी प्रोग्राम होता जाता है हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे व्लॉग में हमारे साथ। और अगर हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, ज़रूर करें। और जो भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच गए और सोने के सिवाय कुछ काम हमारा बाकी नहीं था, रात के लगभग 12:45 हो चुके थे, चाय वगैरह पी और सो गए। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग जो हैं सो रहे हैं, कुछ उठ चुके हैं। मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे जब मेरा अलार्म बजा था, तो मैं देख कर आई बाहर क्या हो रहा है। तो जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी अभी मैं उठी थी 6:30 हो रहे हैं सुबह के और
गर्म पानी चाहिए था तो अभी अभी गर्म पानी करवा के लेके आई हूँ। बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखाया, अभी रोशनी हुई है, सूरज नहीं आया अभी। और रात को हम काफ़ी लेट हुए थे, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था ट्रैवल के कारण, और अभी ठीक है। मैं मेडिसिन लेके सो गई थी, अभी उठी हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ। पीपल काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के, मैं गर्म पानी लेने गई थी, मिल गया मुझे जल्दी से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, और अभी जो है बाकी सब सो रहे हैं, तो देखते हैं आगे आगे हम क्या क्या करते हैं दिन में, दिखाते हैं आप लोगों को।